सिड भाई, अगर मावी स्काउट रेगा वाला लाइनअप वर्क करता तो, अगर वो लाइनअप वर्क करता तो आज मेरे पास मेरी मिनी कूपर होती। बहुत पैसे छापते हम लोग सब, हमारा ऑर्ग, वो पांच लोग, मैं, बहुत पैसा छापते। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ऑब्वियसली वो तीन साल चल जाती, तीन साल तो कोई भी लाइनअप चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है एकदम। बट वो लाइनअप अगर एक साल भी चल जाती ना, हम बहुत पैसा कमाते। ऑब्वियसली वो जो पांच लोग थे अभी भी बहुत पैसा कमा रहे, बट वो उससे भी ज्यादा कमाते और मैं भी बहुत कमाता और ऑर्ग भी बहुत कमा। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लाइनअप नहीं चल सकती थी। मतलब अगर तुम हिस्टोरिकली देखो ई-स्पोर्ट्स में, इट वॉज अ रिस्क, सच लाइनअप्स डोंट वर्क, राइट? यू टेक द सुपरस्टार्स, दे डोंट वर्क। एक या दो सुपरस्टार आप रख सकते हो एक लाइनअप में, ऑल वेयर बिजी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, दैट्स व्हाई इट डिडंट वर्क। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी वॉज ट्राइंग देयर ओन थिंग, हर बंदे ने अपना पूरा एफर्ट दिया वो टीम के लिए। इट्स नॉट सपोज टू वर्क, यू कैन नॉट हैव सो मेनी सुपरस्टार्स इन वन टीम। और एक हर बंदे का उसमें एक ईगो होता है, हर बंदे का एक थॉट प्रोसेस होता है जो उसको लगता है कि बेस्ट है, जो होना भी चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे स्टार प्लेयर में ईगो हो गेम के अंदर, और वो ये सोचे कि आई एम बेटर देन द लॉबी। तो व्हेन आई से कि अलग अलग ईगो, मैं आई एम नॉट सेइंग इन इट इन अ बैड वे, स्टार प्लेयर्स में ईगो हमेशा हल्का सा होना चाहिए। बट जब पांच अलग अलग ईगोस को हैंडल करने का ट्राई करे तो वो मुश्किल हो जाता है टू मेक अ फाइव मैन सुपरस्टार लाइनअप वर्क। एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द गेम, एवरीबडी हैज देयर ओन अप्रोच टू द गेम, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन दोज अप्रोचेस लाइक क्लैश। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आइकुसोल की बात करूँ, जो अप्रोच जो गेम का है वो सिर्फ और सिर्फ मान्या का है और कोचेस का है और एनालिस्ट का है। बेसिक सिंपल चीज होती है कि अप्रोच, बाकी चार प्लेयर को अप्रोच के बारे में नहीं सोचना है ये टीम में, अपना अप्रोच नहीं देना है। जो गेम का अप्रोच है, गेम खेलना कैसे है, वो मान्या और कोचेस डिसाइड करते हैं। बाकी चार प्लेयर को सिर्फ मारना है, जैसा मान्या बोले वैसा मारना है, जिधर जाके मान्या बोले उधर जाके मारना है, वो उनका काम है। सुपरस्टार लाइनअप्स में हर बंदे का एक अलग प्ले स्टाइल होता है, हर बंदे का एक अप्रोच होता है जो उसको लगता है कि बेस्ट है बिकॉज इज अ सुपरस्टार, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है कि कोई भी बंदा अपना अप्रोच को चेंज करे। मैं शायद गलत हूँ, तेरा अप्रोच बराबर लग रहा है, तेरा अप्रोच चूज करते नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अगर मैं सुपरस्टार हूँ तो मेरे अप्रोच के वजह से ही मैं सुपरस्टार बना हूँ। अचानक से मैं डिसाइड करूँ कि नहीं यार, तेरा अप्रोच मेरे अप्रोच से बेटर है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, विच इज वाई इट डजंट वर्क। बट अगर वो चल जाता वो लाइनअप, ओ बैंचो भाई, वॉचिंग और पैसा और व्यूज और सब्स और बैंचो, अगर वो लाइनअप चल जाती ना, माँ कसम। और ऐसा नहीं कि किसी ने ट्राई नहीं किया, पांचों लंडों ने ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, बट नहीं हो पाया वो। सब ने ट्राई किया, सब ने अपना एफर्ट डाला वहाँ पे, ऑल फाइव ऑफ देम, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। और वो फर्स्ट 6 to 7 मंथ्स में मैं ज़्यादा स्ट्रीमिंग वगैरह भी नहीं करता, तो इवन आई ट्राइड टू मेक इट वर्क, यू नो। इवन से फॉर एग्जांपल, इवन एस्पावर हैज सेड इट इन इंटरव्यूज, राइट, कि उसका एक अप्रोच था गेम के लिए, राइट? बट आफ्टर ही स्टार्टेड प्लेइंग विद मान्या, ही अंडरस्टूड कि नहीं, उसका अप्रोच, वी हैव टू फॉलो मान्याज अप्रोच एज लॉन्ग एज आई एम प्लेइंग हियर। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स।